काजी बिहार के भावी शिक्षक गण, खुश तो है ना आप लोग, मस्ती में है ना, खूब तैयारी चल रहा होगा। सोचे होंगे कि अब तो हम बिहार में शिक्षक बनिए जाएंगे, कहें से कि बीपीएससी परीक्षा जो ले रहा है, अब बीपीएससी निष्पक्ष परीक्षा लेगा तो आप लोग टीचर शिक्षक बन ही जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बन जाएंगे। यही ना सोचा था आपने? जब बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला तो आपने सोचा कि चलिए डोमिसाइल लागू हो गया है, अब बिहार के ही जो नागरिक हैं वो बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। आपने अपना स्थायी प्रमाण पत्र, EWS, जो भी आपका डॉक्यूमेंट चाहिए था आपने वो बनवा लिया। आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। क्या आपने सोचा है कबू को बिहार में कबू पढ़ के नौकरी मिला है? ना, बिहार में पढ़ के कबो नौकरी नहीं मिला है। अरे पता कीजिए, बाबू जी का या दादाजी का कहीं 2-4 कट्ठा जमीन होगा, वो पता कीजिए, बाद में काम आएगा, वही काम आएगा, वही आपको नौकरी दिलाएगा। ऐसे ही आप पढ़ते रह जाइएगा 12 घंटा 16 घंटा 20 घंटा आपको नौकरी मिलने वाला है। जानते हैं कहाँ हम ऐसा कह रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जब से नोटिफिकेशन निकला है तब से बीपीएससी और बिहार सरकार एक कयोगो ठुसकी बम फोड़े जा रही है। एक और बम फोड़ा है आज बीपीएससी और बिहार सरकार ने मिलकर। जानते हैं वो बम का है? आपको मिलिए जाएगा खबर, कल या शाम तक आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि दैनिक भास्कर के सौजन्य से यह खबर छपी है कि आज के कैबिनेट के बैठक में बिहार सरकार ने एक और फैसला लिया है कि जो गैर बिहारी है, मतलब कि बिहार के अन्य राज्य में जो भी लोग हैं जो बीएड वेट पास हैं, सीटेट पास हैं, वो भी अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। क्या बोले, आपको सुनाई नहीं दिया? फिर सुन लीजिए, गैर बिहारी लोग भी अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। हाँ, भीड़ और बढ़ने वाली है, तो आप 16 घंटा पढ़ रहे थे तो 22 घंटा पढ़िए। आप सोच रहे हैं कि पढ़ के आप नौकरी ले लेंगे तो घंटा मिलेगा नौकरी, जमीन जायदाद बेचिए, नौकरी लीजिए। हो सकता है कल तक आपको यह खबर मिल जाए, और खबर मिलने के बाद हो सके तो आप परेशान हो, परेशान मत होइए, पढ़िए, केवल पढ़िए, पढ़ते रहिए, नौकरी आपको मिल जाएगा। आप बिहार सरकार के बारे में और बीएससी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।